सो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो पर मैं अनबॉक्सिंग करूंगा जैबरोनिक्स की तरफ से आने वाले इस वायरलेस हेडफोन जैब थंडर का। और साथ में आज के इस वीडियो पर हम बात कर रहे हैं कि इस हेडफोन पर क्या क्या फीचर हमें मिलते हैं और क्या क्या इस हेडफोन पर कमियां हैं, क्या हमें इस हेडफोन को परचेज करना चाहिए या फिर नहीं चाहिए। सो लेट्स गेट बिगिन। सो गाइस, ये हेडफोन मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था। जिस दिन मैंने ऑर्डर किया था उसके अगले दिन ही मेरे घर पर डिलीवर हो गया था और इसकी अनबॉक्सिंग मैंने पहले ही कर ली थी ताकि आपको मैं इस हेडफोन का रिव्यू भी दे सकूं। तो मैंने इसको अच्छे से मैंने यूज़ भी करा एक दिन और इसमें क्या क्या कमियाँ मुझे पता चली और क्या क्या इसमें अच्छे मुझे फीचर लगा, मैं आपको इस वीडियो पर बताऊँगा सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। सो गाइस, जैसे मैंने ब्लैक कलर में ऑर्डर किया था, इसकी जो है चार वेरिएंट आप मिल जाते हैं, आपको इसी भी कलर का जो है ऑर्डर कर सकते हैं। इसको मैंने ब्लैक कलर में ऑर्डर करा है और साथ में आपको इस बॉक्स पर दिख रहा होगा, इस बॉक्स पर जो है इस हेडफोन की स्पेसिफिकेशन जो है मेंशन कर रखी है। जैसे इसमें आपको 9 आवर्स का जो प्लेबैक टाइम मिल जाएगा और इसमें ब्लूटूथ का जो 4.2 वर्जन सपोर्ट करता है, इसमें आपको ऑक्सिलरी पोर्ट मिल जाता है, माइक्रो एसडी कार्ड का फीचर आपको मिल जाता है, इसमें FM का भी आपको उसमें ऑप्शन मिलता है और साथ में आपको कॉल फंक्शन मिलती है, इसमें वॉइस असिस्टेंट भी आपको मिल जाएगा, ड्यूअल पेयरिंग का ऑप्शन है, इसमें बिल्ट इन रिचार्जेबल बैटरी है, इसमें आप उस बैटरी को जो है रिचार्ज भी ईजिली कर सकते हैं और इसमें 40 mm के ड्राइवर्स का यूज़ किया गया है, तो आपको जो है एक अच्छी खासी जो है ऑडियो क्वालिटी मिलने वाली है। और इसमें एक सॉफ्ट एयर कुशन का जो है लगाया गया है जिससे आपको जो कानों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आप ईजिली इस हेडफोन को काफ़ी लंबे समय तक जो है यूज़ कर पाओगे। सो गाइस, चलिए अब इस हेडफोन का डब्बा खोल करते हैं। तो ये कुछ ऐसा हेडफोन है और इसके साथ में जो है आपको एक USB केबल मिल जाती है और साथ में आपको एक ऑक्स केबल जो है यहाँ से साथ में मिल जाती है और बॉक्स में और कुछ नहीं आपको मिलता है। और यहाँ पर आपको एक यूज़र मैनुअल मिल जाता है जिसे पढ़कर आप जो है इस हेडफोन को कैसे यूज़ करना है वो सीख सकते हैं और साथ में यहाँ पर सभी फीचर जो है इस हेडफोन के वो मेंशन किए हुए हैं। सो गाइस, अब बात करते हैं इस हेडफोन की। तो ये कुछ ऐसा हेडफोन देखने में कुछ ऐसा होने वाला है और साथ में यहाँ पर जो है आपको कुछ कीस दे रखे हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जो आपको एक सबसे ऊपर एक माइक्रो एसडी कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है और आपको उसके नीचे वॉल्यूम डाउन करने का या फिर प्रीवियस ट्रैक पर जाने का आपको एक बटन मिलता है और उसके नीचे आपको प्ले पॉज करने का बटन मिलता है। अगर आप इसको लॉन्ग प्रेस करोगे तो FM जो है वो चालू हो जाएगा और इसके नीचे एक वॉल्यूम जो है इंक्रीज़ करने का ऑप्शन मिलता है और उसी बटन से हम जो है नेक्स्ट ट्रैक पर भी जा सकते हैं उस बटन पर क्लिक कर। और इसके नीचे आपको एक LED लाइट मिल जाती है और उसके नीचे आपको एक माइक्रो USB का पोर्ट मिल जाता है जिससे आप जो है इसको चार्ज इजीली कर सकते हैं और नीचे आपको एक ऑक्स केबल के लिए पोर्ट मिल जाता है जिससे इस पर जो है आप ऑक्स वायर भी यूज़ कर सकते हैं और इसके नीचे आपको एक माइक मिल जाता है जिससे आप जो है इसलिए किसी से भी बात जो है कर सकते हैं। और हेडफोन के साइड पर आपको जो है एक बटन मिलता है ऑन ऑफ करने का और साथ में अगर आप इसको लॉन्ग प्रेस करोगे तो जो है वॉइस असिस्टेंट जो है वो चालू हो जाएगा और यहाँ से आप जो है कॉल पिक भी या फिर कॉल कट भी आप यहाँ से इजली कर सकते हैं। सो गाइस, चलिए अब हम बात करते हैं इस हेडफोन के डिज़ाइनिंग की। इस हेडफोन में तो ये हेडफोन है आपको दिख रहा होगा, ये पूरा जो प्लास्टिक बिल्ट है इस पर हर जगह जो प्लास्टिक का ही यूज़ किया हुआ है इसको बनाने में। और साथ में आपको यहाँ पर बिल्कुल भी मेटल का यहाँ पर नहीं दिखेगा, यहाँ पर मेटल का यूज़ नहीं किया गया है जिससे क्या होता है इसमें मेटल का यूज़ नहीं किया है तो ये जो है टूट सकता है, इसलिए आपको जो है इसको थोड़ा संभाल कर रखना होगा इस हेडफोन को। और इसकी कमी मुझे ये लगी कि जब यहाँ पर जो है आपको दिख रहा होगा यहाँ से जो वायर जा रही है ये वायर जो है वो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है यहाँ से देखने पर। यहाँ पर जो इनका इन्होंने मेटल भी यूज़ नहीं किया, यहाँ पर सिर्फ प्लास्टिक का ही इन्होंने यूज़ किया, तो मेटल का यूज़ तो करना ही चाहिए था। और साथ में यहाँ पर अगर बात करें क्वेश्चन की तो क्वेश्चन भी काफ़ी सॉफ्ट इन्हों के यहाँ पर इन्होंने दे रखे, थोड़े से हार्ड है लेकिन उतने भी चल जाएंगे लिखेंगे। और ऊपर भी आपको एक क्वेश्चन मिल जाती है जो वो भी थोड़ी सी सॉफ्ट ही है, तो दोनों जो है सॉफ्ट है। आप जब पहनोगे इसको तब आपको जो है कानों में पेन जो है नहीं होने वाला है। ये हेडफोन जो है ओवर ईयर हेडफोन जो आपके कानों को जो अच्छे से ढक लेगा। तो वैसे बात करते हैं इसकी साउंड क्वालिटी के बारे में। वैसे साउंड क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी मिल जाती है, इसमें क्लियर वॉइस आपको मिल जाएगी, इसमें क्लियर वोकल आ जाते हैं। और साथ में अगर बात करें बेस की तो बेस भी काफ़ी अच्छा इसमें होने वाला है, लेकिन आपको जो है इसमें अच्छा बेस तो मिल जाएगा लेकिन एकदम वैसा आप सोच रहे हो कि बिल्कुल अच्छा वाला बेस मिलेगा लेकिन उसमें वैसा बेस नहीं है, लेकिन बेस जो है इसमें डिसेंट बेस है और उसमें आपको जो है 40 mm की जो है इसमें ड्राइवर्स मिलने वाले जिससे आपकी बेस जो है थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। तो अब मैं आपको इस हेडफोन की वॉइस क्वालिटी जो है साउंड क्वालिटी में आपको चेक करके दिखा देता हूँ। एक बार आपको भी आप जो हेडफोन पहन लेना, क्योंकि हेडफोन पहनोगे तो आपको जो है बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा इस हेडफोन
हेडफोन का, तो आपको जो अपना हेडफोन लगा देना, आपके पास जो भी है वो हेडफोन लगा के आपको जो है इसको अभी सुनना है। तो मैं अभी यहाँ पर से यूट्यूब ओपन करता हूँ और वहाँ से NCS का जो है एक म्यूज़िक प्ले करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो गाइस अब आपको जो है इसका पता चल जाएगा कि इसमें साउंड क्वालिटी कैसी है और कैसी नहीं है। और अगर हम बात करें इसकी बैटरी का, तो बैटरी जो है काफ़ी अच्छी इसमें आपको मिल जाती है। अगर आप इसको रेगुलर, अगर आप इसको कंटिन्यूस यूज़ करोगे, दो दिन जो है आराम से चल जाएगा। बैटरी जो है इसमें ज़्यादा जल्दी ड्रेन जो है नहीं होती है। तो कई से बात करते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स की, तो इसमें जो है अगर आप गेमिंग करना चाहते हो तो गेमिंग के लिए ये हेडफोन जो है अच्छा नहीं होने वाला है, क्योंकि जब आप जो है अगर ब्लूटूथ से कनेक्ट करके इसमें गेमिंग करोगे तब इसमें लेटेंसी जो है काफ़ी जो है करीबन, अगर आप गेमिंग प्ले करोगे तब एक दो सेकंड के बाद ही जो है आपकी हेडफोन पर आवाज़ आएगी। तो मतलब जो है ये गेमिंग के लिए बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है। अगर आप इसमें ऑक्स केबल ला के अगर गेमिंग करोगे तब बिल्कुल सही है, तब जो है अच्छे से आवाज़ आती है, तब जो है इसमें आवाज़ में लेट जो है नहीं होता है। और अगर हम बात करें, अगर आप इसमें, आपको पता है आपको इसमें डुअल पेयरिंग दे रखी है, डुअल पेयरिंग भी इसमें ख़राब है। अगर जैसे मान लो कि आपने दो डिवाइस को अगर आपने अपने हेडफोन से कनेक्ट कर लिया, तो इसमें क्या होता है कि आप अगर आप मीडिया फाइल प्ले करते हो, कोई सी वीडियो या फिर कोई भी ऑडियो अगर आप म्यूज़िक सुनते हो, तब भी जो है डुअल पेयरिंग होने के बाद जो है जो वॉइस है, जो साउंड है, वो ना एक दो सेकंड लेट फिर भी आता है। तो अगर आप डुअल पेयरिंग करोगे तब भी आपको लेटेंसी देखने को मिलेगी, अगर आप गेम प्ले करोगे तब भी आपको लेटेंसी देखने को मिलेगी। तो अगर आपको गेमिंग प्ले करना है तो आपको जो है ऑक्स केबल का यूज़ करना होगा। और अगर हम बात करें इस हेडफोन के प्राइस की, तो मुझे वो पड़ा है करीबन 700 रुपये का। अगर आपको ये हेडफोन परचेस करना है तो मैं आपको इसका जो लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, आप वहाँ से भी इसको परचेस कर सकते हैं। अमेजोन के लिंक के आप वहाँ से सिंपली से क्लिक करोगे तो आप अमेजोन पर पहुँच जाओगे और आप वहाँ से इस हेडफोन को ऑर्डर भी ईजिली कर सकते हैं। सो गाइस आज की इस वीडियो को देखा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और थैंक यू फॉर वॉचिंग।